अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी, डीएसपी ट्रैफिक मनोज शर्मा, परिवहन चेक पोस्ट एवं उड़न दस्ता प्रभारी अजय मार्को, सोहागी थाना प्रभारी ओपी तिवारी, यातायात थाना प्रभारी दिलीप तिवारी की संयुक्त टीम ने वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया। परिवहन सुरक्षा स्क्वाड प्रभारी अजय मार्को के द्वारा सोहागी थाना प्रभारी ओपी तिवारी के साथ मिलकर सोहागी थाने के सामने संयुक्त चेकिंग के दौरान 41 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की। इसके साथ ही परिवहन सुरक्षा स्क्वाड के द्वारा रीवा सिमरिया जवा अतरेला मार्ग पर यात्री वाहनों एवं माल वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर त्रिवारी ट्रेवल्स की बस जो कि बिना टैक्स के ही अंदर पाई गई, उस पर 12,400 का मोटर यान कर एवं CF वसूल किया गया। सिमरिया अतरेला एवं जवा मार्ग पर दो हाईवा बिना कागजात एवं जिन पर 1,00,000 का मध्य प्रदेश का मोटर यान कर भी बकाया पाया गया, उनको जब्त कर परिवहन कार्यालय रीवा भेजा गया। इसके अलावा अतरेला थाने में 3 ऑटो बिना कागजात के चलते पाए गए, जिन्हें अतरेला थाने में ही खड़ा कराया गया। अतरेला रोड पर चेकिंग के दौरान 16,750 का राजस्व अर्जित किया गया। सोहागी हाईवे पर लगभग 150 वाहन चेक किए गए, जिनमें 29 वाहन गति सीमा से अधिक स्पीड पर वाहन चलाते हुए पाए गए, जिन पर चालानी कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही अभी निरंतर जारी रहेगी। खाली देखा इतने पेशन हो गए हैं, पैसेंजर को मत बैठाओ, वो जरूरी है बैठ जाना, बैठ खड़े हो। 3-4 मना कर चुको क्या आगे ना भाई। अबे 10 रुपये किराया देंगे, 15 रुपये का उससे चालान बनेगा। आपका नंबर बन गया है ना, भैया नीचे ना उतर जा।